हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों आज की वीडियो बात करेंगे मैसी ट्रैक्टर पंप के बारे में। तो ये पंप हमारे पास आया था, ये नया मॉडल का पंप है, ट्रैक्टर भी बिल्कुल नया ही है। इसमें जो दिक्कत आ रही थी कि जब ट्रैक्टर को स्टार्ट करते थे तो यहाँ से जो है ऑयल नीचे गिरने लग जाता था। तो ये ट्रैक्टर हमारे पास आया था, हमने इसको चेक किया, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसको ठीक किया। तो बताते हैं इसमें क्या थी। जो इसके एलिमेंट होते हैं, ये तीन सिलेंडर पर तीन एलिमेंट थे, तो ये लीकेज कर रहे थे। तो पंप को हमने चेक किया तो ये लीकेज थे। इसको कैसे चेक करना है कि लीकेज कैसे होती है और कैसे चेक करना है, उसका वीडियो आपको एंड में मिल जाएगा। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है और आपको एंड में मिल जाएगा। तो ये हमने एलिमेंट इसको चेंज किया, चेंज करने के बाद इसको पंप को ओके किया। अब इसको ट्रैक्टर में लगाएंगे और देखेंगे हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है कि नहीं। इसमें दिक्कत यह थी कि प्लंजर लीक होने लग जाता है, लीक होने के कारण जो इसका डीजल है वो अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से ऑयल निकलने लग जाता है। तो जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है जो एलिमेंट में आती है, कई बार क्या होता है इसकी सील होती है, फीड पंप होता है उसकी सील होते हैं वो भी खराब हो जाती है, तो वो भी चेक करना पड़ता है। इसका पूरा वीडियो आपको एंड में मिल जाएगा कि फीड पंप को कैसे चेक करना है और एलिमेंट को कैसे चेक करने हैं, ये लीकेज है कि नहीं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आप देख सकते हो पंप को हमने मशीन पर लगाया है, मैसी ट्रैक्टर का दोस्तों पंप है। पंप नंबर है F002A2Z11। इसका पार्ट नंबर है पंप का मैसी ट्रैक्टर दोस्तों, ये तीन सिलेंडर। तो इसकी कैलिब्रेशन के बारे में बात करेंगे, इसकी सेटिंग जो हमने कितनी कितनी रखी है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले हम जो है 950 RPM करते हैं, जो फुल लोड डिलीवरी है इसकी 950 RPM पे फुल लोड चेक करते हैं इसका। तो यहाँ पे हमने 950 RPM कर दिया मशीन की क्लॉक वाइज। और यहाँ पे हमारी कंट्रोल रॉड है वो 13.5 आ रही है, 13.5 के आसपास आ रही है। और यहाँ पे हम डिलीवरी चेक करते हैं कि हमारी जो डिलीवरी वो कितनी आनी चाहिए। सिंगल स्टॉप पे दोस्तों हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो डिलीवरी आ रही है वो 6 CC के आसपास आ रही है। सिंगल स्टॉप पे हम चेक कर रहे हैं, अगर 5 स्टॉप रखें तो ये 30 CC हो जाएगा, 30-30 CC 500 स्टॉक में। अभी हम सिंगल में चेक कर रहे हैं इसको। अभी जो हम इसको 600 RPM पे चेक करते हैं, जो टॉर्क ऑफ डिलीवरी है इसकी वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इसकी डिलीवरी रखती है वो बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे हम स्टॉक लगाते हैं, देखिए यहाँ पे भी हमारी जो रहती है 13.5 के आसपास आ रही है। तो यहाँ पे हमने स्टॉक लगाया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारी जो डिलीवरी वो 6 CC आ रही है 600 RPM पे। अभी हम इसका जो आइडल है वो देखते हैं हमने कितना रखा है। तो 375 RPM पे हमने मशीन को सेट किया है, क्लॉक वाइज हमारी मशीन चल रही है। तो यहाँ पे हमारी जो कंट्रोल रॉड है वो आप देख सकते हो 9 के आसपास आ रखी है। और यहाँ पे जो डिलीवरी दोस्तों आनी चाहिए, देखिए बिल्कुल ड्रॉप आएगा हल्का हल्का। तो यहाँ पे स्टॉक लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारी 1.5 से 2 CC डिलीवरी आ जानी चाहिए, 1.5 भी चलेगी 2 भी चलेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको कुछ भी पूछना हो या कुछ भी बताना हो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें।